बात आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और इस इंक्यूबेटर की बात करें तो भाई लोग यहाँ से कुछ ऑलमोस्ट 10 महीने पहले आया था, 10 11 12 महीने पहले ऐसा ही कुछ आया था, बहुत पहले आया था ये। और ये सच में बहुत ज्यादा रेयर है, आप लोगों को बहुत कम बंदों के पास देखने मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये फिफ्थ नंबर पे इसलिए आता है क्योंकि इसके एक डिसएडवांटेज जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके जो लुक्स है ना भाई, ये भी बहुत ओपी से है, मतलब कतई जहर। इसका जो मुखड़ा है ना, जो ऊपर में क्या बोलते हैं, मास्क बोलेंगे या फिर बनी वाला जो मुखड़ा बोलेंगे भाई, वो तो इतना रेयर सा है और क्या बोलो। और जो इसका शर्ट है वो भी बहुत ओपी सा लगता है, आप लोग देख सकते हो। और जब ये इंक्यूबेटर चालू करता है, हमें फ्री में एक ब्लू प्रिंट देखने मिलता था इस इंक्यूबेटर का। तो उस फ्री ब्लू प्रिंट से मैंने ये वाला जो सबसे नीचे वाला बंडल है इस इंक्यूबेटर का, वो मैंने रिडीम कर लिया था। सो इसलिए यार, जो इसका बनी वाला फेस है ना, उसकी रेयरिटी नहीं रही, क्योंकि जो फर्स्ट वाला है वो तो भाई बहुत बंदे के पास फ्री में ही मिल गया, उनको जिनके पास स्टोन्स थे पहले से उनको फ्री में मिल गया। लेकिन जो और भी है ऊपर के जो टॉप वाले फैंटम बनी, वो बहुत कम बंदों के पास है। सो भाई तब आप लोगों के पास ये वाला बनी वाला इंक्यूबेटर है नहीं, ये बात मुझे कमेंट बताना। और ये आपके पास टॉप वाला है, मिडिल वाला है, डाउन वाला, ये मुझे कमेंट बताना। सो नाउ लेट्स गो टू नंबर 4। एंड जो नंबर 4 पे बंडल नहीं सॉरी इंक्यूबेटर है, उसका नाम है मिस्टिकल मास्टर। ये जो इंक्यूबेटर है ना भाई लोग, ये भी बहुत पहले आया था, बहुत भाई इमेजिन नहीं कर सकते उतना पहले आया था। इमेजिन कर सकते हैं, वैसे एक साल पहले ही आया, पता नहीं मैंने कौन सा नशा कर लिया है भाई। तब ये मिस्टिकल मास्टर वाला जो इंक्यूबेटर है ना, ये भाई सच में बहुत रेयर है। अगर आप पे यहाँ पे 100 बंदे खड़े करते हो ना, तो उनमें से 5 बंदों के पास ये मिस्टिकल मास्टर वाला इंक्यूबेटर मिलेगा। और टॉप वाला और जो मिड वाला है ना, वो तो और भी कम बंदों के पास है, बहुत कम बंदों के पास है। जो सबसे नीचे वाला है आप लोग कुछ बंदों के पास देखने मिल जाएगा, वैसे ही मिड वाला और जो टॉप वाला है बहुत कम बंदों के पास है। लाइक मैं आप लोगों को मिड वाला दिखा देता हूँ, डाउन वाला दिखा देता हूँ। सबसे डाउन में जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। बाय द वे ये मेरे फ्रेंड की आईडी। और इस इंक्यूबेटर में जो बंडल्स है ना, उसमें जो चेस्ट में एनिमेशंस दिए ना, वो मेरे को बहुत गजब लगता है। तो चेस्ट वाला पार्ट है और जो हेयर वाला पार्ट है यार, ये दोनों बहुत यूनिक है। आपको बहुत कम बंदों के पास ऐसे बंडल्स देखने मिलेंगे। एंड सपोज अगर आपके पास ये बंडल है, तो आप लोग ये बंडल प्रीफर करो, मेरी बात मानो भाई लोग। अगर आप लोग इस बंडल को यूज करोगे ना, तो आप लोगों को भाई मस्त लाइक मिलेंगे, क्योंकि बंदे लोग देख के समझ जाएंगे कि जो बंडल है ना, बहुत पहले का बंडल है। और जो रेयर बंडल्स होते हैं ना, जो बहुत कम बंदों के पास होते हैं, बंदे लोग देख के अपने आप लाइक ठोक देते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एडवांटेज है, तो पहना करो यार, आप लोग पहनते नहीं हो, क्या ही बोल रहा मैं, पहना करो। आपके पास कौन सा बंडल, ये भी मुझे कमेंट बताना। तो नाउ लेट्स गो टू नंबर 3। और जो नंबर 3 पे बंडल आता है, वो है बंडित स्क्वाड, मतलब हमारा क्रिमिनल बंडल, सबका चहिता क्रिमिनल बंडल। भाई लोग आप सभी लोगों का फेवरेट है, और कितना ज्यादा रेयर है क्रिमिनल बंडल, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोग। बाय द वे सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट में जाके ये कमेंट करो कि आप लोगों के पास 4 क्रिमिनल में से कोई भी एक क्रिमिनल बंडल है। अगर आपके पास कोई भी क्रिमिनल बंडल है, तो ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। और आप लोगों का फेवरेट क्रिमिनल बंडल कौन सा है, ये बात भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। मेरी बात करें तो मेरा फेवरेट है, और सभी कोई भी क्रिमिनल दे दोगे ना, तो मैं खुशी खुशी कतराऊंगा भी नहीं किसी क्रिमिनल को पहनने के लिए। सभी फेवरेट है मेरे, क्योंकि सभी के सभी रेयर है। और अगर रेयर चीज आपके पास होती है, तो उसका एक एडवांटेज होता है कि अगर आप लोग रैंक गेम खेलते हैं, तो उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा लाइक्स मिलेंगे। जो आपके सामने जो बंदे होंगे ना, वो आपको बहुत प्रो समझेंगे। तो रेयर चीजें पहनने का फायदा ही फायदा है। और बाय द वे हमारे पास एक येलो क्रिमिनल है, तो ये आप जूम करके दिखा रहे, तो आपको येलो क्रिमिनल दिखता कैसे। इसका नाम है मिस्चीफ, नाम है शायद इस क्रिमिनल का, और हाँ शायद यही नाम है यार, ऐसा ही कुछ नाम है। और ऐसा नहीं कि ये येलो क्रिमिनल सबसे डाउन वाला है तो रेयर नहीं है, अरे नहीं, ऐसा सोचना ही मत। ये क्रिमिनल भी बहुत रेयर है, जितने क्रिमिनल उधर रेयर है ना, रेड वॉयलेट ब्लू येलो, उसमें भी सब रेयर है। और ऐसा नहीं कि वाला कम रेयर है, ये भी रेयर है। और आप लोग मन में एक और आ रहा होगा कि ग्रीन क्रिमिनल भी है, बट वो कहाँ है, ये वो इंक्यूबेटर में नहीं है, तो कहाँ है। तो भाई लोग आपको बता दूं, ग्रीन क्रिमिनल है ना, सबसे ज्यादा रेयर है। टॉप वाला है ना रेड क्रिमिनल, उससे भी ज्यादा रेयर तो ये ग्रीन क्रिमिनल है। आप लोगों को बहुत कम बंदों के पास देखने मिलेगा ये ग्रीन क्रिमिनल, सबसे ज्यादा रेयर ये है। देन उसके बाद रेड है, उसके बाद वायलेट है, उसके बाद ब्लू है, देन उसके बाद येलो है। बाय द वे आपके पास कौन सा क्रिमिनल है, वैसे तो शायद नहीं होगा बंदों के पास, लेकिन अगर आपके पास है तो कौन सा है, और आप लोगों में से फेवरेट क्रिमिनल कौन सा है आपका, ये बात मुझे कमेंट में जरूर बताना। नाउ लेट्स गो टू नंबर 2। एंड जो नंबर 2 पे आता है, वो है एक फटाका बंडल, है कतई जहर बंडल, एकदम गजब बंडल। और इस बंडल का नाम है, बंडल का नहीं, इंक्यूबेटर का नाम है सोलेस पपेट। और अगर आप इस
बंडल्स को देखोगे तो आप लोगों को एक चीज नजर आएगी, एक रेयर से बंडल नजर आएगी, वो है आर्टिक ब्लू। जितने भी बंडल्स नजर आए वो आप लोगों को आर्टिक ब्लू से थोड़े थोड़े इंस्पायर नजर आएंगे, मतलब बंडल से जितने भी है वो आर्टिक ब्लू जैसे ही है, मैचिंग मैच। और एक शॉकिंग बात बताऊं आप लोगों, ये जितने भी आपको यहाँ पे इंक्यूबेटर दिखा रहा हूँ ये सब बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। एक एक करके जितने भी यहाँ पे इंक्यूबेटर आपको दिखा रहा हूँ वो सब वापस आ जाएंगे, और वापस आने के बाद जब रिटर्न में आएगा तो रेयर नहीं रहेगा। बट अभी तक रिटर्न में नहीं आया इसका मतलब अभी भी ये रेयर है। और ये सोललेस पपेट में से आप लोगों के पास क्या कोई एक भी बंडल है ये बात मुझे कमेंट में बताना, और है तो कौन सा वाला बंडल ये भी मुझे कमेंट में बताना। और मैं एक बात कर रहा था आर्टिक ब्लू बंडल की, जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर है सोललेस पपेट इंक्यूबेटर से, ऑलमोस्ट सब थिंग सेम है, बट कलर जो है ना बस कलर का डिफरेंस है, बाकी पूरा बंडल लगभग लगभग सेम है। ऐसा लगता है आर्टिक ब्लू की पूरी कॉपी है जितने भी मैं आपको बंडल दिखाया सोललेस पपेट इंक्यूबेटर के, बट आर्टिक ब्लू की बात अलग है, आर्टिक ब्लू का क्रेज ही अलग है, सब बंडल रेयर है। क्योंकि आप लोगों के पास आर्टिक ब्लू है ये भी मुझे कमेंट में जरूर से बताना कमेंट करके। नाउ लेट्स गो टू नंबर वन, एंड जो नंबर वन में बंडल आता है, बंडल सॉरी इंक्यूबेटर आता है, उस इंक्यूबेटर का नाम है जेस्टर क्लॉन। क्लॉन से आप लोगों को समझ गया होगा कि मैं किस इंक्यूबेटर में बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जोकर वाले इंक्यूबेटर की, जो कि देखने में कितना भयानक सा लग रहा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई। मतलब इसका जो फर्स्ट लुक है ना बहुत ज़रा एकदम डरावना सा, एकदम डेंजर सा, और जो इसका टॉप वाला बंडल है भाई 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 वो तो यार जहर सा बंडल है यार, क्या ही बोले। मेरे को ना इस बंडल में ना कुछ भी पसंद नहीं आता है, मतलब उतना खास नहीं लगता इसका पैंट शूज और ये शर्ट वगैरह जो चेस्ट के पार्ट है वो नहीं। मेरे को इसका सबसे जो मोस्ट चीज़ लगता है वो है इसका जोकर वाला फेस। जितना भी पैसा लगा है ना सब जोकर वाले फेस का ही लगा है, बाकी यार ये बंडल में किसी को कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, जितना भी इंटरेस्ट है सब जोकर वाले फेस पे ही है सबका इंटरेस्ट। और अगर आप लोग इस बंडल को देख रहे हो तो आप लोग बंडल को पहचान नहीं पाओगे कि वो कौन सा बंडल, लेकिन अगर आप इस जोकर वाले फेस को देख रहे हो तो आपको समझ जाएगा कि हाँ ये कौन सा इंक्यूबेटर है। और सिमिलरली हमारे पास एक सस्ता वाला जोकर भी है जो कि मैजिक क्यूब सेक्शन में आया था, और ये भी अच्छा खासा दिखता है भाई, ऐसा नहीं इसका लुक खराब है, बट ये रेयर नहीं है। लिटरली बोल रहा हूँ ये बंडल रेयर नहीं है, सबके पास ही ये बंडल हो चुका है। तो कि आप लोगों में से किसी एक बंदे के पास जो जेस्टर क्लॉन वाला जोकर मैंने बताया इंक्यूबेटर है वो क्या आप लोगों के पास है, किसी भी एक बंदे के पास जितने बंदे आप देख रहे हैं वो बहुत रेयर है भाई, बहुत रेयर, इसलिए वो नंबर वन पोजिशन पे है। बहुत कम बंदे के पास आप लोगों को देखने मिलेगा, बहुत मतलब बहुत कम, एकदम रेयर से चांस है 1% बंदों के पास होगा। बाय द वे आप लोग पास जेस्टर क्लॉन वाला बंडल है या नहीं ये बात मुझे कमेंट में जरूर बताना, और क्या आप लोग के पास सस्ता जोकर है ये भी मुझे कम